नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। ग्वालियर शहर में डेंगू का खतरा लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक तो डेंगू के मरीज ठीक होकर घर जा रहे थे, पर अब यह और भी खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि डेंगू से मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोज डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा प्रशासन के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर में डेंगू अब डेंजर हो गया है। ग्वालियर में अगस्त से ही डेंगू के मामले सामने आने लगे थे और ये आंकड़ा बढ़कर बीते 49 दिन में 116 तक पहुंच गया। प्रशासन भले ही इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रहा है, लेकिन सिस्टम की नाकामी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि शहर में निर्माणाधीन मकानों, घरों और पशुओं के पानी पीने की टंकियों में लार्वा जगह जगह पनप रहा है और प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ 10 लोगों पर ही जुर्माना लगाया है। रोज बढ़ती मरीजों की संख्या और नगर निगम आयुक्त हर्षद सिंह का कहना है कि हमारे शहर की हालत बाकी शहरों से ठीक है। ये बयान बताता है कि प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर है। देखिए, जो टेस्ट हो रहे हैं लगातार टेस्ट, उसमें से जो परसेंटेज आ रहा है वो अपेक्षाकृत बाकी शहरों के हिसाब से तो कम है, परंतु ये चिंता का विषय है कि लगातार उसमें केस बढ़ रहे हैं। हम लोग ने ये देखा है कि एक मीटिंग, संयुक्त मीटिंग भी की थी, उसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं, पूरे प्रोटोकॉल जहाँ भी साफ पानी जमा होता है उसको हटाना और लंबे समय तक पानी जमा है उसको हटाना, ये सब हम लोग लगातार कर रहे हैं। जहाँ से मलेरिया विभाग की टीम हमें बताती है कि यहाँ पे पानी जमा या लार्वा निकला है, उसके 400 मीटर में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उसमें जुर्माना भी कर रहे हैं। एक तरफ डेंगू दिन बीतने के साथ ही अपने पैर पसार रहा है, वहीं नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य महकमा सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई करता दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि शहर में भले ही फॉगिंग करने की बात कही जा रही है, पर असल में ऐसा होता दिखता नहीं। वहीं मरीजों के परिजन दवाओं और सही इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, एक तरफ लोगों की मौत हो रही है और सरकार अपनी यात्राओं में व्यस्त है, जनता की उन्हें परवाह नहीं। निष्क्रियता केवल भ्रष्टाचार है। जो आपने बोला ना फॉगिंग कागजों पर हो रही है, पैसा कागजों पर बांटा जा रहा है, अधिकारी कर्मचारी और मैन तो ऊपर से आदेश रहता है कि हमें तो इतना पैसा चाहिए, और ये जो शहर में गंदगी फैली हुई है, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, गड्ढे हैं, कचड़े पड़े हुए हैं, इनके कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, अस्पतालों में जाओ तो सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनरी नहीं है, बाहर की दवाइयाँ लेने जाओ, दवाइयाँ यदि अस्पताल में या तो है नहीं है, हैं तो हैं नकली हैं, तो सब कुछ पूरा प्रदेश, देश, ग्वालियर अस्पताल सब भ्रष्टाचार में और अव्यवस्थाओं में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और जनता त्रस्त है। और जनता इस समय त्रस्त है तो जनता को शांत करने के लिए और सत्ता में आने के लिए लालच दिया जा रहा है, रेबड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन जनता अब इनकी रेबड़ियों में आने वाली नहीं है। अब जब कांग्रेस पूरे मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, तो ऐसे में सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जवाब देते हुए कहा कि जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सरकार इस मामले में सतर्क है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं कड़े निर्देश दूंगा इस मामले में लापरवाही ना बरती जाए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सरकार पूरी तत्पर है। मैं आज ही जिला प्रशासन से इस संबंध में बात करके और कड़ाई के साथ निर्देश दूंगा। मंत्री जी भले ही कड़ाई के निर्देश देने की बात कह रहे हो या कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही हो, पर इस मामले में प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा सिर्फ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि कब प्रशासन इस मामले में गंभीरता से कदम उठाएगा, क्योंकि बयानबाजी और कागजी घोड़े दौड़ाने से सिर्फ नुकसान आम जनता का ही है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनोद शर्मा ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, प्रशासन दावे कर रहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, दावे तो केवल कागजी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डेंगू की स्थिति ये है कि लोग बेहद परेशान हैं, अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं और भर्ती भी हो रहे हैं, लगातार नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। आज जो कल रिपोर्ट आई है शाम को, उसमें 8 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं और एक अभी तक इस सीजन में डेंगू से मौत हो चुकी है। इतना सब होने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा केवल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है।
मलेरिया विभाग की हालत तो ये है कि जो उनके जो अधिकारी हैं वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते हैं, समय पर दफ्तर भी नहीं पहुंचते हैं, और जहां पर डेंगू कोई पॉजिटिव आ जाता है तो केवल उस इलाके में रस्म अदायगी के तौर पर फॉगिंग करा दी जाती है और इसके अलावा दवा का छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन फॉगिंग किस तरीके से हो रही है ये समझा जा सकता है, फॉगिंग होने के 2 मिनट बाद फिर मच्छर दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही शहर में ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, केवल अभी तक 10 से 12 जगह पर चालानी कार्रवाई हुई है पूरे सीजन में, जबकि होना ये चाहिए था कि जो मलेरिया विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम की टीम को एक संयुक्त दल बनाकर इस शहर में जाकर जगह जगह जांच करनी चाहिए। जहां पर डेंगू के मरीज निकल कर आ रहे हैं उस क्षेत्र में तो कम से कम जाकर चालानी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों के घरों में अभी भी कूलरों में जो पानी भरा है उसको साफ नहीं किया गया है, रोज साफ अगर किया जाए तो डेंगू के जो लार्वा है वो नहीं पनपेंगे। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है कि कूलरों में डेंगू के लार्वा देखे जा सकते हैं, सरकारी जो दफ्तर है या गैर सरकारी दफ्तर है वहां पर भी लार्वा देखे जा सकते हैं। लोग इस तरह परेशान है कि प्लेटलेट जब कमी आ जाती है, डेंगू जब किसी को होता है तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट की समस्या से उसे जूझना पड़ता है और उसके लिए वो भटकता नजर आता है। ये गनीमत है के कुछ समाज सेवी संस्थाएं उनकी मदद जरूर कर रही हैं, लेकिन प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि हम देख रहे हैं और जल्दी ही इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई आखिर कब की जाएगी? लगातार पिछले दिनों कई दिनों से डेंगू के मरीज इसी तरह से निकल के सामने आ रहे हैं, तकरीबन 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम द्वारा किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। केवल BIP रोड है, गांधीनगर है, रेस्कोस रोड है, वहां जरूर इनकी सक्रियता नजर आती है, लेकिन जहां पर जो डेंगू फैल रहा है वहां सक्रियता कतई नजर आती ही नहीं है। अस्पतालों के आलम यह है कि सरकारी अस्पताल हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें किसी तरह से कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, मरीज वहां भटक रहे हैं, उनको अगर जाते हैं तो पैरासीटामोल और इस तरह से कुछ दवाइयां उन्हें पकड़ा दी जाती है बुखार की, और जब तक डेंगू उनको पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और डेंगू की जांच जब तक हो पाती है तब तक काफी उनकी स्थिति खराब हो चुकी होती है। डेंगू की जांच जो केवल मेडिकल कॉलेज के अंदर होती है सरकारी तौर पर, इसके अलावा अगर आप प्राइवेट की बात करें तो 2500 रुपए से की डेंगू की जांच होती है, जो आम आदमी नहीं करा सकता, गरीब आदमी नहीं करा सकता। तो प्रशासन को यह करना चाहिए कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो उनकी गांव में कैंप लगाकर, शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाकर उनको अवेयरनेस के तौर पर उनको जागरूक करना चाहिए, उनकी जांचें होना चाहिए। मलेरिया है, वायरल है या डेंगू है ये मरीज को पता होना चाहिए, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं पता। अब BJP और कांग्रेस इस पर राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि केवल जन आशीर्वाद यात्रा और तमाम जो सरकारी कार्यक्रमों में प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है। अभी आपने सुना था खुद के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर सख्त निर्देश देंगे प्रशासन को, लेकिन अभी तक कोई निर्देश शायद या तो दिए नहीं है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, वो अगर दिए हैं तो प्रशासन ने उस पर कोई हरकत नहीं की है। क्योंकि लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इस पूरे ही मामले में कार्रवाई होने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि लगभग 3 महीने पहले ये जो डेंगू का लार्वा है उसे नष्ट करने के प्रयास किए जाने शुरू हो करने थे, और ऐसे में वहां पर दवाइयों का छिड़काव करना था, फॉगिंग करना था, जागरूकता अभियान चलाने थे, लेकिन चूंकि अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हाँ हम आगे इसमें पूरी तरह से डेंगू कंट्रोल में, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी कि का वर्षा जब फसल सुखाने, जब लोग इस बीमारी से ग्रसित होने लगे हैं अब तैयारी करने से क्या फायदा। ये 3 महीने पहले की बात है कि 3 महीने पहले इसकी सारी शुरुआत होनी चाहिए, DDT का छिड़काव होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको मच्छरदानी देनी चाहिए। आप सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास जो मच्छरदानी आती है, मलेरिया विभाग के पास, आखिर वो कहां चली जाती है? किसी भी गरीब के पास हमें मच्छरदानी नजर नहीं आई, जो सड़कों पर सोते हैं उनके पास मच्छरदानी नजर नहीं आई है, DDT का कहीं छिड़काव होते नजर नहीं आया है, दवाओं का छिड़काव होते नजर नहीं आया है। एक बड़ा बजट होता है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट इनके पास रहता है, आखिर वो बजट कहां चला जाता है? गरीब आदमी इस डेंगू के दंश से काफी बेहद परेशान है। जो लोगों पे पैसा है वो अपना उपचार करा सकते हैं, लेकिन परेशानी उनको भी है, प्लेटलेट्स की लेकर तमाम तरह की परेशानी है, लेकिन जिन पर पैसा नहीं है, कोई उनकी सिफारिश नहीं है, वो आखिर जाए कहां? सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां की हालत बेहद दयनीय है, ना तो समय पर उन्हें चिकित्सा मिल पाती है, ना दवाएं उनको समय पर मिल पाती है। ऐसे में अब भले ही कुछ भी दावा करते रहे, लेकिन कह सकते हैं कि समय निकल गया है। प्रशासन केवल अब लकीर की जो सांप निकल जाता है और लाठी पीटता रहता है, वैसी कुछ स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अभी भी समय है थोड़ा बहुत कि प्रशासन सख्ती के साथ कार्यवाही करे और
जहां भी डेंगू के लार्वा नजर आते हैं उन पर एक बड़ी जुर्माने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है जागरूकता का। बिल्कुल विनोद, खासतौर पर ऐसी बस्तियां जो निचले इलाके में है जहां पर जलभराव की ज्यादा स्थिति उत्पन्न होती है, उस जगह पर जो है इस तरह से फॉगिंग की जानी चाहिए, दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए, वहां पर अभी अब कार्रवाई शुरू हुई? बिल्कुल, कार्रवाई कहीं शुरू नहीं हुई है। जहां पर डेंगू के मरीज निकलते हैं उसके घर और उसके आसपास एक दो जगह फॉगिंग कर दी जाती है, लेकिन जहां पूरे क्षेत्र में फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। और जो चिन्हित इलाके हैं ग्वालियर के, महाराजपुरा, डीडी नगर और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां किसी तरह की कोई फॉगिंग नहीं है। जल भराव अभी भी है, लोगों के घरों के आसपास पानी भरा हुआ है जो बारिश के कारण भर गया है या किसी अन्य के कारण नल की जो पाइपलाइन फूट जाती है उसके कारण भरा हुआ है। वहां किसी तरह से कोई दवाई नहीं डाली गई है, किसी तरह से कोई फॉगिंग नहीं की जा रही है। एक केवल बात कहा जा सकता है कि पूरी तरह से निष्क्रियता जो स्वास्थ्य महकमे की है, मलेरिया विभाग की है, नगर निगम की है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन विभागों की जवाबदारी है और इन विभागों की ये जिम्मेदारी होती है कि समय रहते इन सारी चीजों पर वो अपनी तैयारियां पूरी कर लें, इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार कर लें। लेकिन इन विभागों ने केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहे, बयानबाजी करते रहे, तो जमीनी हकीकत में कुछ नहीं किया। प्रशासन के सामने आई है इसका खामियाजा, अब लोग भुगत रहे हैं, जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं वो भुगत रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी, डेंगू पर कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। बने रहिएगा विनोद।